बेनिफिट नहीं करेगा सर, जितना बार जड़ रहा है टूट रहा है सिर्फ 5-6 दिन के अंदर पड़ करेगा। दोस्तों आपको फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं पटना के ज्ञान भवन में और यहाँ पर दशहरा में मेला लगा हुआ है। दोस्तों महिला उद्योग द्वारा यहाँ मेला लगाया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों यह मेला लगाया गया है ज्ञान भवन पटना के इस ज्ञान भवन में। यहीं पर बापू सभागार भी है दोस्तों, और चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं इस मेला में। महिला उद्यमी द्वारा लगाया जाने वाला बिहार का सबसे बड़ा मेला यह होता है दोस्तों। यह दशहरा के टाइम पर लगता है और यह भी दशहरा के समय ही आने वाला है और जस्ट 2-3 दिन बचा हुआ है दशहरा में। तो चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं क्या क्या खास होने वाला है यह मेला, दशहरा का मेला। तो चलते हैं इसके अंदर ज्ञान भवन, पटना के ज्ञान भवन में यह लगा हुआ है दोस्तों। यह दोस्तों इसका डेट भी है दोस्तों, 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहने वाला है दोस्तों। तो आप जल्दी आइए और यहाँ पर चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ खास है यह मेला। दोस्तों हम लोग ज्ञान भवन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कितना यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर दशहरा मेले में यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया और अंदर वही गेट से एंट्री गेट है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या सजाया गया दोस्तों, और चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट एक बनाया गया है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लाइटिंग से व्यवस्था की गई है। दोस्तों आ चुके हैं एक दशहरा मेला के अंदर में और देख सकते हैं अंदर का कुछ इस तरह का नज़ारा है दोस्तों। आज संडे का दिन है और काफ़ी यहाँ पर क्राउड देखने को मिल रहा है और काफ़ी यहाँ पर महिला उद्यमी के द्वारा यहाँ पर मेला लगाया गया है दोस्तों, और काफ़ी क्राउड आज देखने को मिल रहा है और काफ़ी कपड़े यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं दोस्तों। तो एक एक करके हम आपको दिखाते हैं सब। मेले में आपको यहाँ पर महिलाओं के द्वारा, महिला उद्यमियों के द्वारा बनाया गया यहाँ पर हैंडमेड यहाँ पर सारी वस्तुएँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर खाने पीने के लिए भी काफ़ी स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ पटना के ज्ञान भवन में यह दशहरा मेला लगा हुआ है जो कि 28 से 2 अक्टूबर तक रहने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते अफ्रीकन ड्राई फ्रूट्स है दोस्तों, और यहाँ पर काफ़ी अफ्रीकन यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर शॉप है और यहाँ पर बेचे जा रहे हैं और काफ़ी अलग अलग तरह के शॉप यहाँ पर देख सकते हैं। आयुर्वेदा हक्की पिंकी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर तेल के लिए यहाँ पर इसका भी एक शॉप है दोस्तों, और इसके बालों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक शॉप है। और इसके बारे में आप लोग तो इसके बारे में वीडियो वायरल हो चुका है दोस्तों, आप देखे जानते ही होंगे इसके हक्की पिंकी प्रोडक्ट के बारे में, इसके क्या साइड इफेक्ट है और क्या इसका फायदा है। तो 1500 क्या है सर? 1500 जी। साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं करेगा सर, जितना बार जड़ रहा है टूट रहा है सिर्फ 5-6 दिन के अंदर पड़ करेगा। खरबा, कुजली, डैंड्रफ, कोंडा, ऋषि रेंज से जड़ सट आएगा सर। हाँ सर, कर्नाटक से ही है। आपके बारे में हम लोगों ने भी आपके वीडियो आपके सोशल मीडिया पर भी आप लोगों सोशल मीडिया पे हम पूरा डाल रहे हैं सर, क्योंकि बैनर पे जो नंबर है तो नंबर पे कॉल करिए आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। वीडियो कॉल करो, कंफर्मेशन करो, तभी जाके एक ऑर्डर बुकिंग करें सर। ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदो मत सर, अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो में पूरा खरीदने का नहीं होता है। 499 वाला, 299 वाला पूरा खरीदने का नहीं होता सर, पूरा खर्चे वाला चल रहता है। फेक प्रोडक्ट है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट सर। ज्ञान भवन में 2 बार आ चुका हूँ सर, एक होली फेस्टिवल में आया था, अभी ये बार आया हूँ सर। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी प्रोडक्ट यहाँ पर हक्की पिंकी प्रोडक्ट के यहाँ पर आए हुए हैं भैया, और काफ़ी यहाँ पर बता रहे हैं कि यह सही प्रोडक्ट होता है और यहाँ पर लोग खरीदने के लिए भी आए हुए हैं दशहरा मेला में। तो आइए और अपने अगर बाल आपके झड़ रहे हैं, आपके बाल में कोई त्रुटि है, तो यहाँ पर आइए दशहरा मेला में ज्ञाना में आइए और यहाँ पर उसका सोल्यूशन पाइए दोस्तों। और यहाँ पर खाने पीने के लिए काफ़ी सारे व्यवस्था की गई है।
मेले में काफ़ी सारे मिथिला पेंटिंग से यहाँ पर फ्रेम देखने को मिल जाएंगे। मिथिला पेंटिंग हैंडमेड है यह दोस्तों, यह मेला में हैंडमेड दोस्तों महिलाओं के द्वारा बनाया गया, उसी के यहाँ पर प्रतिरूप का और यही वस्तुएं हैं जो कि हैंडमेड है और हाथों से बनाया गया है महिलाओं के द्वारा। तो दोस्तों काफ़ी सारे यह मेला में यही आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए पटना के ज्ञान भवन में जो कि 28 अक्टूबर से शुरू हुआ दोस्तों और यहाँ पर 2 अक्टूबर तक रहने वाला है यह मेला। और काफ़ी सारे यहाँ पर आज संडे का दिन है दोस्तों और काफ़ी यहाँ पर लोग आए हुए हैं इस मेले को में शॉपिंग करने के लिए। तो आप भी आइए, अगर नहीं आए हैं तो पटना से हैं आप तो ज़रूर आइए दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं बाँसों के द्वारा प्रोडक्ट बनाया गया और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं पटना के ज्ञान भवन में दशहरा मेला में दोस्तों। और यह हाथों पूरे हाथों से बाँसों के द्वारा बनाया गया है और यह काफ़ी, और यहाँ पर फ्लावर भी है जो आर्टिफिशियल हैं दोस्तों और काफ़ी यहाँ बाँसों से तैयार किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी सारे इस दशहरा मेले में यहाँ पर स्टॉल लगे हुए थे और यही स्टॉल दिखाने के लिए हम पटना के ज्ञान भवन में पहुंचे हुए थे दोस्तों। और यह बिहार महिला उद्योग संघ के द्वारा दशहरा मेला यह लगाया गया है और महिला उद्यमियों द्वारा यह लगाया जाने वाला सबसे बड़ा मेला जो कि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहने वाला है दोस्तों। इसके ब्रांडिंग पार्टनर गर्दा पटना भी है दोस्तों। हम दिखाने के लिए पटना के ज्ञान भवन में पहुँचे हुए थे दोस्तों। बिहार का सबसे बड़ा दशहरा मेला यहां पर लगा हुआ है दोस्तों। तो आइए आप, यह दोस्तों 28 सितंबर को यह स्टार्ट हुआ है दोस्तों, आज है 19 सितंबर। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।